रूप इस धरा का, आंचल जिसका नीला आकाश, पर्वत जिसका ऊंचा मस्तक, उस पर चांद सूरज की बिंदियों का ताज, नदियों झरनों से छलकता यौवन, सतरंगी पुष्प लताओं ने किया श्रृंगार, खेत खलियानों में लहलाती फसलें, बिखराती मंद मंद मुस्कान। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपको झारखंड राज्य का सबसे साफ सुथरा तथा खूबसूरत जिलों में से एक जिला से रूबरू कराएंगे, जहां के लोग बड़े ही शांत तथा खुशमिजाज के माने जाते हैं। 1 अप्रैल 1991 बिहार राज्य के तत्कालीन धनबाद जिले के चास और चंदन क्यारी प्रखंड तथा गिरिडीह जिले के पूरे बैरमो अनुमंडल को मिलाकर एक जिला बनाया गया, जिसे आज हम बोकारो के नाम से जानते हैं। बोकारो की धड़कन जो इसकी पहचान है, उसे जानने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा। 6 अप्रैल 1968 को सोवियत संघ की सहायता से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यहां भारत के प्रथम स्वदेशी स्टील प्लांट की आधारशिला रखी। इस जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि यहां लौह अयस्क, कोयला तथा मैग्नीज जैसे खनिज पदार्थों से इसका दामन भरा हुआ है। 7 वर्षों की कठिन संघर्षों के बाद 2 अक्टूबर 1972 को प्लांट का पहला ब्लास्ट फर्नेस शुरू हुआ। यहाँ का मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार इस्पात उद्योग है। बोकारो जिला के पूरब में पश्चिम बंगाल के कुछ अंश तथा धनबाद स्थित है, तथा पश्चिम में रामगढ़, उत्तर में धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग स्थित है, तो दक्षिण में पुरुलिया। झारखंड के चौथा सबसे बड़ा शहर प्रकाश में तब आया जब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सोवियत संघ की सहायता से यहां स्टील प्लांट लगाने की सोची। बोकारो शहर की अपनी अनगिनत उपलब्धियां हैं, जिसमें से एक 2007 में बोकारो स्टील प्लांट को राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं 2012 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्दों से शहर के लोगों को प्रेरणा मिली। बोकारो को शैक्षणिक शहर भी कहा जाता है। यहाँ जबरदस्त शैक्षणिक माहौल है। बच्चे देश के अलग अलग जगहों से अपना भविष्य बनाने आते हैं। एक समय था जब BSL के स्कूल अपनी गुणवत्ता से पहचाना जाता था, परंतु आज DPS, चिन्मया, DAV, आयप्पा, MGM, KVS आदि विद्यालयों ने इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाला है। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 चांद लगा रहा है बोकारो स्टील सिटी कॉलेज, चास कॉलेज चास, राजकीय पॉलिटेक्निक खुटरी, महिला पॉलिटेक्निक बालिडी, GGST कॉलेज एवं RBS कॉलेज। उफ, क्या कहना यहाँ के सड़कों का। किसी भी सड़क पर चले जाइए, वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा ही देता है। शहर के हृदय स्थल में बसा राम मंदिर, गजब की बनावट है इसकी। आप सड़क से ही श्री राम जी का दर्शन कर सकते हैं। मौज मस्ती की तो कोई कमी ही नहीं है इस शहर में। बोकारो मॉल, एम बाजार, जगन्नाथ मंदिर, अयप्पा मंदिर, बुद्ध विहार, सूर्य मंदिर, यहाँ तक कि गुरुद्वारा आदि जगहों पर जाकर आप अपना खाली समय व्यतीत कर सकते हैं। अरे ये क्या, बच्चों को हम कैसे भूल सकते हैं। बच्चों के मनोरंजन और पूरे परिवार, दोस्तों तथा मित्रों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गरगा डैम, टेनुघाट डैम, सीता फॉल, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, लुगबुरू घंटाबाड़ी, जायका रिजॉर्ट के साथ साथ आप यहां के जापानी वास्तुकला शैली से बना हुआ मनमोहक
सिटी पार्क का भी आनंद उठा सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भला बोकारो कैसे पीछे रह सकता है? सेक्टर 4 में BSL द्वारा संचालित बोकारो जनरल अस्पताल न जाने कितनों के चेहरे पर मुस्कान लाया है। एक से बढ़कर एक मशीनें तथा डॉक्टर हैं। इसके सहयोग में जिले का सदर हॉस्पिटल, शिवम हॉस्पिटल, के मेमोरियल, मुस्कान, आस्था केयर आदि हैं। कहीं चाय की चुस्की तो कहीं ठेले के चटपटा गोलगप्पे का चटकार। जी हाँ, यहाँ मिलने वाले स्ट्रीट फूड जो सबको अपनी ओर खींचता है। लगभग यहाँ सभी सेक्टर में फूड स्टॉल है। सेक्टर 2 की इडली, नया मोड़ की राबड़ी और साथ में खुरमा, सेक्टर 1 की सोया चाउमीन, सेक्टर 6 की गरम गरम कचौड़ियाँ, सेक्टर 9 की वही बिहारी होटल, सेक्टर 4 की लाल ढाबा, मुन्ना भाई का मिल्क शेक, इडली, डोसा, समोसा, चाट, आलू टिक्की, एग रोल, पाव भाजी, लिट्टी चोखा, जलेबी, गोलगप्पे, आइसक्रीम, उफ, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। और जनाब, मिठाई के नाम सुनते ही चेहरा गुलाब के जैसा खिल जाता है। जी हाँ, आपको मिल जाएगा ये नटखट, खट्टा मीठा, कोजी स्वीट्स, कलकत्ता स्वीट्स, स्वीट वैली और मानसरोवर में। खुशियों के दिन यानी पर्व त्योहारों में भी बोकारो कैसे पीछे हो सकता है? गुलालों की होली हो या दियों की दीपावली, दुर्गा पूजा की भव्य पंडाल हो या छठ के सजे हुए घाट, गुरु नानक जयंती की झांकियां हो या पति की लंबी आयु के लिए रखा गया पत्नियों द्वारा करवा चौथ और तीज त्योहार, ईद की बनी सेवइयां हो या मजदूर मैदान की मेले, कर्मा, सरहुल, छऊ नाच सभी संस्कृतियों को अपने दामन में समेटे हुए हैं। यहाँ आने जाने वाले सैलानियों का स्वागत बाहें खोलकर करता है यह शहर। यहाँ ठहरने के लिए एक से बढ़कर एक टॉप क्लास की होटल भी है, जैसे रिलायंस, हंस रेजेंसी, आदित्य वैभव होटल, ब्लू डायमंड, क्लासिक होटल। जादू सी है इस शहर में। शहर के बाहर से आने वाली लड़कियां, चाहे वह शिक्षा के लिए या कार्य करने के लिए आई हो, इसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिटी सेंटर में स्थित गीतांजलि गर्ल्स हॉस्टल ने अपने कंधों पर संभाले हुए हैं। आज के जमाने के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2007 में शुरू किया गया योजना उड़ान का लाभ बोकारो को भी मिला, जिसके अंतर्गत बोकारो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण की योजना प्रस्तावित है। उड़ान शुरू होने के बाद यह पटना तथा कोलकाता को शहर से जोड़ेगा। सेल के टाउनशिप में बनने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा योजना भी प्रस्तावित है। वहीं सेक्टर 12 में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन का हस्तांतरण बोकारो इस्पात प्रबंधन ने जिला प्रशासन को कर दिया है। जितना सरल यहां के लोग हैं, उतना ही सरल यहां पहुंचना। इस शहर में बस, ट्रेन या निजी गाड़ी से भी आ जा सकते हैं। इसकी बस अड्डा नया मोड़ में तथा रेलवे स्टेशन शहर से 13 किलोमीटर दूर में है। बोकारो शहर स्टेशन की स्वच्छता एवं सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ प्लेटफॉर्म पर आने जाने वाले यात्रियों को हरियाली का आनंद देने के उद्देश्य से खाली बोतलों से तैयार किया गया वर्टिकल गार्डन इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां तक रेलवे मंत्रालय ने इस बोतल वानिकी की विशेष रूप से सराहना की है। क्या कुछ नहीं है इस शहर में? यही है बोकारो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बोकारो का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड,
फैमिली को लिंक शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, इसमें ऑल को सेलेक्ट करके रखें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।